महेंद्र सिंह धोनी, इनके जलवे ऐसे हैं कि दुनिया इनकी फैन हुई पड़ी है। सालों तक टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले थला पहले सीजन से ही चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं और उनके साथ इस टीम ने कई ट्रॉफीज पर भी कब्जा किया है। आजकल धोनी आईपीएल 2023 में सीएसके को लीड कर रहे हैं और उनके हर मैच में कमाल हो रहा है। धोनी की बैटिंग देखने के लिए फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं, तो विकेट के पीछे से भी वो अपने फैंस को पहले जैसे ही सेलिब्रेट करने के मौके दे रहे हैं। और अब धोनी की तारीफ करने वालों की लिस्ट में एक बड़ा नाम शामिल हो गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने धोनी को तमिलनाडु का गोद लिया बेटा बता दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि धोनी आईपीएल 2023 के बाद भी सीएसके के लिए खेलते रहेंगे। स्टालिन स्पोर्ट्स केंद्र तमिलनाडु चैंपियनशिप फाउंडेशन के लॉन्च के मौके पर बोल रहे थे। इस फाउंडेशन को तमिलनाडु स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है और इसके जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। 3 मई को हुए फाउंडेशन के प्री लॉन्च से अब तक तमिलनाडु सरकार के शेयर्स के माध्यम से इसमें 23.50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। इससे पहले धोनी ने इस योजना का लोगो और पोर्टल लॉन्च किया। इसी मौके पर इसका लोगो, मैस्कॉट और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। स्टालिन ने इस मौके पर यह भी उम्मीद जताई कि इसके जरिए खेलों में और नए हीरो को तलाशा जाएगा। स्टालिन बोले, तमिलनाडु के बाकी लोगों की तरह मैं भी एमएस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाल ही में मैं धोनी की बैटिंग देखने 2 बार चेपॉक स्टेडियम गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमिलनाडु का गोद लिया बेटा सीएसके के लिए खेलता रहेगा। वो लाखों युवाओं की प्रेरणा है, इसलिए वो इस पहल के एम्बेसडर हैं। हम तमिलनाडु से बहुत सारे धोनी निकालना चाहते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी स्पोर्ट्स में भी। बात सीएसके की करें तो ये टीम अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। टीम ने 11 मैच में 13 पॉइंट्स बनाए हैं। धोनी के अंडर टीम ने 4 आईपीएल ट्रॉफीज जीती हैं। इस टीम से ज्यादा टाइटल सिर्फ मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। रोहित की टीम के नाम 5 आईपीएल टाइटल्स हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।